रक्सौल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा की बढ़ी मुश्किल। भाई अशोक सिन्हा के नेपाल सत्तावास से 23 किलो सोना, 2 किलो चांदी जब्त। वीरगंज में नेपाल पुलिस की छापामारी में अशोक सिन्हा के घर से मिले 22.5 किलो सोने के बिस्किट। नेपाल पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के घर से भारी मात्रा में सोने के गहने और चांदी के बर्तन बरामद किए। नेपाल पुलिस ने खुफिया सूचना पर वीरगंज के रेशम कोठी में अशोक सिन्हा के अपार्टमेंट में की छापामारी। प्रमोद सिन्हा को रक्सौल से बीजेपी का टिकट मिलने पर लगा था टिकट खरीदने का आरोप। रातों रात जेडीयू से बीजेपी में शामिल हो गए थे प्रमोद। विपक्ष ने 3 करोड़ में डील होने का लगाया था आरोप। दिवंगत नेता रामविलास पासवान का आज 10वां भावुक हुए बेटे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी बताने पर किया पलटवार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए तीखे वार। चिराग पासवान ने कहा जेडीयू और नीतीश के दबाव में ऐसा बयान दे रहे हैं बीजेपी नेता। नीतीश दूसरों के उकसाकर बोलने को मजबूर करते हैं अपने हित की बात। आवाज भले उन नेताओं की है पर वो शब्दावली कहाँ से आ रही है, वो सोच कहाँ से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं कहते। भावुक चिराग पासवान ने जेडीयू और नीतीश पर किए करारे वार। कहा पिता के निधन पर यही लोग व्यक्त कर रहे थे झूठी संवेदना, 10 दिन में दिखा असली चेहरा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर किया वार। कहा नीतीश बताएं अपना विजन। भुखमरी पे नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उनका विजन है? तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के संकल्प पत्र का किया जिक्र। बोले सत्ता मिली तो 10 लाख नौकरियों से जुड़े कागज पर सबसे पहले दस्तखत। बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा पीएम मोदी बेहद प्यार करती है बिहार की जनता, गठबंधन की पार्टियों को मिलेगा इसका फायदा। मोदी जी पर बिहार का और देश का भरोसा है और इसी भरोसे के कारण हमें भी फायदा होगा और हमारे जो साथी उनको भी होगा। कैमूर में डेब्री सीएम सुशील मोदी ने किया रोड शो, उम्मीदवार रिंकी पांडे के लिए वोट मांगे। सुशील मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया टिपोर शंकी। बोले किसानों की जमीन कब्जा करने वाले आज बन रहे उनके हितेश। हाजीपुर में प्रचार के दौरान भावुक हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा उम्मीदवार अवधेश सिंह चुनाव जिताए नहीं तो दिल्ली में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। करौली में जमीन विवाद में एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाई, गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर में हुई दरिंदगी, जमीन विवाद में कुछ लोगों ने पिता पुत्र को जिंदा जलाने की कोशिश की, पेट्रोल डालकर लगा दिया, पति और बेटे को बचाने में महिला भी झुलसी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह को लखनऊ किया तलब। सुरेंद्र सिंह ने बलिया गोलीकांड के आरोपियों के पक्ष में बुलंद की है अपनी आवाज। बलिया गोलीकांड में नया वीडियो आया सामने, दोनों पक्षों के बीच झड़प और पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड। नए वीडियो में गोली लगने के बाद जमीन पर साफ साफ गिरता दिख रहा है जयप्रकाश पाल, गोली लगने से हुई जयप्रकाश की मौत। बलिया में पीड़ित परिवार से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मिलने का तांता लगा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता मुलाकात के लिए पहुंचे। बलियाकांड में अब तक मोस्ट वांटेड का कोई सुराग नहीं, पुलिस की 10 टीमें कर रही है तलाश। सुराग देने वाले को 25,000 से 50,000 रुपए इनाम राशि बढ़ाई गई। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हाहाकार, सैलाब में बहते दिखे तमाम ऑटो। बाबानगर में तेज बहाव में भीषण तबाही, हैदराबाद में सैलाब ने आज ली 2 लोगों की जान। हैदराबाद शहर में दिखा समंदर जैसा मंजर, तेज बहाव ने किया बेहाल। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में गलियों में बह रहा दरिया, मुसीबत में लोग। बारिश के बाद सैलाब की तबाही में तेलंगाना में अब तक 50 लोगों की जा चुकी है जान। हैदराबाद के लश्करगुंडा में 2 यात्रियों के साथ बही गाड़ी, बाद में जेसीबी की मशीन से यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। लश्करगुंडा का बारिश के बाद है बुरा हाल, जगह जगह पर सैलाब में बसे नजर आए वाहन। तेलंगाना में शाहपुर फोर्ट की दीवार ढही, भारी बारिश से हुई क्षति। राजस्थान के पाली में बारिश के बीच धसी सड़क, फंसा बाइक सवार, सड़क के गड्ढे में धसी बाइक को पत्नी के साथ मिलकर निकाला बाहर।
सवाई माधोपुर में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, 28 लोग घायल, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा। कोना में पुजारी गोलीकांड में नया मोड़, गोलीकांड का पीड़ित पुजारी ही निकला आरोपी। पुलिस के मुताबिक खुद पर साजिश के तहत चलवाई थी गोली। गोंडा गोलीकांड में पुलिस ने पुजारी समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में अजय अपना मामले में लापरवाही आई सामने, महिला थानेदार लाइन हाजिर। बाराबंकी में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, पकड़ा गया आरोपी, गांव में ही चलाता था किराने की दुकान। बाराबंकी में पीड़िता के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस प्रशासन पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। बलिया गोलीकांड और हत्या पर सियासत जारी, पीड़ितों से मिलने उनके घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता। रामपुर में एक सिपाही पर महिला से बलात्कार का आरोप, एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाने पर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। मथुरा में सांड को बचाने के चक्कर में पलटी बस, हादसे में 10 लोग घायल। सीतापुर में बुजुर्ग दंपत्ति पर फेंका गया तेजाब, सोते वक्त अज्ञात शख्स ने हमला किया। अमृतसर में ओला कैब की ड्राइवर ने दो युवतियों के अपहरण की कोशिश की, दोनों ने चलती गाड़ी से छलांग लगाई। रुद्रपुर में कांग्रेस ने किया कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन, आसमान में छोड़े काले गुब्बारे। समाजसेवी संत रामदास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बवाल, मुरादाबाद में लोगों ने लगाया जाम। पुरी में 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, सीएम नवीन पटनायक को दिखाया था काला झंडा। अयोध्या में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति कैंपेन लॉन्च, कल बलरामपुर में सीएम योगी ने की थी इसकी शुरुआत, नवरात्रि का आज दूसरा दिन। दिल्ली के छंडेवाला मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा के लिए उमड़े कई श्रद्धालु। जेएनयू में बीबीपी ने किया प्रदर्शन, लाल फीताशाही का लगाया आरोप। मुंबई में आमूली नाका पर जलकर खाक हुई कार, किसी के हाथ आतोनी की खबर नहीं। लखनऊ में महिलाओं के लिए पिंक सेवा को बढ़ावा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पिंक वाहनों की को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव में अमित जोगी को झटका, निर्वाचन आयोग ने अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द किया। मुंबई में इमामबाड़ा इलाके में फ्री मोबाइल की सुविधा, 10 स्मार्टफोन के साथ फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। एटम में मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान दिखी अव्यवस्था, कोरोना काल के नियमों की हुई अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ध्यान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान पर दारा शिकोह फाउंडेशन का विवादित बयान, सर सैयद अहमद खान को बताया अमीर मुसलमानों का हितैषी। दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष अमीर रशीद ने कहा अमीर मुसलमानों के लिए बनाई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वाराणसी में बेकाबू एसयूवी ने सड़क के किनारे सो रहे 5 लोगों को कुचला, 3 की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर को पीटा, पुलिस के हवाले किया, गाड़ी में भी की तोड़फोड़। बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, रूडी और शाहनवाज हुसैन का नाम। यूपी में विधानसभा की 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में राहुल प्रियंका के साथ 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, 3 नवंबर को पड़ेंगे वोट। राहुल गांधी पर सीएम योगी का पलटवार, कांग्रेस नेता ने दुश्मन देश का महिमामंडन किया। उन्नाव में योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने राहुल पर बोला हमला, बिहार चुनाव में मशहूर उस्मानी को जाले से प्रत्याशी बनाने पर कहा कांग्रेस के डीएनए में विभाजन। मध्य प्रदेश उपचुनाव में राहुल प्रियंका की तस्वीर के साथ कांग्रेस का वचन पत्र जारी, कर्ज माफी का किया वायदा। जम्मू कश्मीर में गुप्कर समूह को बीजेपी ने बताया मुखौटा, राम माधव ने दो टूक कहा कश्मीर का विशेष दर्जा वापस नहीं होगा। भरतपुर में गुर्जर महापंचायत के रोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 नवंबर से पूरे देश में चक्का जाम। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसी कमर, केंद्र से इसे वापस लेने तक संघर्ष करने की खाई कसम। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने के खिलाफ ईडी ने पेश की चार्जशीट, दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर पर शिकंजा। अभिनेत्री कंगना रनौत पर बैनरोड थाने में एफआईआर दर्ज, सांप्रदायिक नफरत फैलाने और उद्धव सरकार को बदनाम करने का आरोप। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, कहा ऐसी व्यवस्था बने कि देश के हर नागरिक को मिले वैक्सीन। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने 61,000 से ज्यादा नए मामले, 75 लाख के पार कोरोना आंकड़ा। आईपीएल में कल दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दी करारी शिकस्त, 5 विकेट से हराया।
दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन का धमाकेदार फॉर्म जारी, जड़ा नाबाद शतक। शिखर धवन ने महज 58 गेंदों में बनाए 101 रन, 14 चौके एक छक्का जड़ा। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, अक्षर पटेल ने जडेजा पर 3 छक्कों के साथ लिखी जीत की बात। अक्षर पटेल ने सिर्फ 5 गेंद में बनाए 21 रन, चेन्नई से छीनी जीत। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 189 रन। डुप्लेसिस ने 58 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के जड़े। वॉटसन ने 28 गेंदों पर 36 रन बनाए, 6 चौके जड़े। राइडू और जडेजा ने खेली तेज तरार पारी, राइडू ने महज 25 गेंद में 45 रन बनाए, 1 चौका 4 छक्के जड़े। जडेजा ने 4 छक्कों के साथ सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी के वक्त उनके ही आखिरी ओवर में चेन्नई के हाथ से फिसली जीत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।